बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याक नाबुदो व याक नस्ताईन। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारक देता हूँ कि इसके बावजूद कि पूरा क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तकरीबन सारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, छुपी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली और इस चीज़ के ऊपर जो कि हर मुसलमान को तकलीफ देती है कि कुरान की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर और आज़ादी राय के आड़ लेके उसके पीछे छुप के की गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक जिंदा कौम की तरह और अपने कारकुनों का मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिंदा कौम ही निकलती हैं हक सच के लिए और इंसाफ के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमने कम अज़ कम पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी पुरमन तरीके से कि ये हमें इस चीज़ ने तकलीफ़ दी है और आप आज़ादी राय की आड़ लेके लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। लेकिन दूसरी जो बात, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया कल 9 मई को, जिस तरह मुझे वहाँ से अख्वा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था, तो जिस तरह मुझे अख्वा किया गया कमांडो एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया और उसमें दो चीज़ें वाज़े हो गई कि एक कि ये गैर कानूनी था और गैर आइनी था। जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के ख़िलाफ़ भी था। और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जब मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए, मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नज़रबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज़ वाज़े हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक, कि ये मेरी ईमा पर सब कुछ हुआ है, ये जो तोड़फोड़ हुई है, ये जो जलाया गया और जो जो एहतजाज हुए। तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अब अगर जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे वहाँ से जिस तरह जिस तरीके से मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े रजिस्ट्री ऑफिस के, वहाँ के स्टाफ को डंडे मारे, उनकी कंप्यूटर और इक्विपमेंट को तोड़ा, मेरे लोगों को जो गार्ड्स थे उनको मारा, वकीलों को मारा, मुझे सर पे डंडा लगा, और फिर जिस तरह एक दहशतगर्द और मुजरिम की तरह वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा है, सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहां से पकड़ के लेके गए। और फिर दुनिया में खबर क्या गई कि जी करप्शन के ऊपर इमरान खान को पकड़ा, वो आदमी जो इस मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ये कौम सबसे ज़्यादा जिस पर एतमाद करती है अपने पैसे से, इससे बड़ा तो कोई एतमाद नहीं है कि जब लोग अपने पैसे से किसी को ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका पैसा वो अमानतदार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले सादिक और अमीन भी कहा है, जिसने सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स जीते हुए हैं, जो 50 साल से सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी को दुनिया जानती है और जिसने अपनी तरफ से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि इसका कौन जिम्मेदार है, क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदारी उठाएगी इसकी, कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा, और क्या नैब चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी लेगा जो हुआ मेरे साथ। और मैं अब इससे आगे चलता हूं, जब मुझे ये जिस तरह उठाया गया और अब साबित हो गया कि ये इस मुल्क के आईन और कानून के खिलाफ था, तो क्या हमारी पार्टी को ये हक नहीं था पूरा मन एहतजाज करने का? अब तो अगर साबित हो गया ना कि ये कानून तोड़ के मुझे वहां से अगवा किया गया और जिस तरह मुझे जलील किया गया, तो क्या एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबरा को जब इस तरह उसे किया जाए, तो क्या उसकी पार्टी को हक नहीं था पूरा मन एहतजाज करने का? और ये मैं फिर वाजे कर दूं, आइन हमें कहीं जगह पे रोकता नहीं है पूरा मन एहतजाज से।
कि जी कंटोनमेंट में एहतजाज हो या जहां भी हो, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। यह हमें आइन हमें हक देता है, हमें तोड़ फोड़ का हक नहीं देता, हमें जलाने का हक नहीं देता, और वो सारे हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे बताया चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने उसकी मजम्मत की और उन्होंने वो लिखा अपने ऑर्डर के अंदर, और मैंने कहा कि 27 साल में आज तक मैंने कभी अपनी जमात को ये नहीं कहा कि किसी किस्म की इंतशार के अंदर शामिल हो। मेरी स्टेटमेंट्स हैं, जब हमें हमारे से जुल्म भी हुआ 25 मई को, जब हमारे ऊपर जिस तरह इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया कि हमें बगर क्राउड है इनका डंडे मार के ठीक करो, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो हमारे निकले हुए थे पुरमन एहतजाज के लिए, उनके ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैंने अगले दिन उसी दिन रात को हुआ, सुबह को मैंने अपना धरना कैंसिल कर दिया। और मेरी इस तकरीर सुन रहे, मैंने उधर कहा कि मैं इंतशार नहीं चाहता। 26 नवंबर को 4 लाख लोग जमा हुए हैं पिंडी के अंदर, और वो सारे था कि हमने पुरमन एक मार्च करनी है वहाँ से इस्लामाबाद, वहाँ जिन्होंने 30,000 पुलिस जमा कर ली। तो मुझे फिर पता था कि इन्होंने हमारे साथ वही जो 25 मई में इन्होंने इस बारी फिर वही करना है, और मुझे खौफ था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक है और वहाँ खून खराबा होगा। मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने इस्लामाबाद की मार्च 26 नवंबर को कैंसिल की, और उसके बाद यहाँ 8 मार्च को जब हम पुरमन हमारी इलेक्शन की रैली निकलने शुरू हुई, उन्होंने उसके ऊपर जब हमला किया, फिर वो मैंने रैली कैंसिल की, मेरी तकरीर है। तो मैंने तो हमेशा पुरमन एहतजाज की बात की 27 सालों से, तो वो सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि मुझे तो जब पहली दफ़ा पता चला मैंने तब कहा, मजम्मत की। और उसके अलावा अब ये जो हमारे लोगों का एहतजाज है, इसको गद्दारी कह दिया गया है कि मुल्क से गद्दारी हुई है। अब मेरा सवाल यह है कि गद्दारी किसने की? क्या डंडे मार के एक पार्टी के सरबरा को और उसके लोगों को मार के और गैर कानूनी तौर पे अखवा करो, और फिर हम समझें कि जी वो भेड़ बकरियों की तरह चुप करके बैठ जाएगी पार्टी, वो एहतजाज भी नहीं कर सकती, वो एहतजाज करे तो वो गद्दारी हो गया, और उनको सारों को जेलों में 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाला, सीनियर लीडरशिप सारी जेल में, अभी सारी अंडरग्राउंड है। 9 मई से अब तक हर रोज लोगों को अगवा किया जा रहा है, हर रोज लोगों के घरों में जाते हैं, रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, घर तोड़ते हैं, पुलिस घर लूटती है, साथ नामालूम अफराद आते हैं, चोरी करते हैं। मियां असलम इकबाल की बेटी के सारा जहेज चोरी करके ले गए। कल वहां बनू का हमारा MP पख्तून यार 40 लाख का वहां उसके घर पे सोना पड़ा हुआ था, जेवर पड़ा था, वो चोरी करके ले गए। ये कौन सी दुनिया में इसकी इजाजत मिलती है, कौन से कानून के तहत? और सिर्फ सजा मिल रही है कि जी आपने 9 मई को एहतजाज क्यों किया? क्योंकि अब तो वाजे हो गया ना कि हमारा एहतजाज जायज था, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर, फिर से मैं कहता हूं, आइन तोड़ के मुझे उठाया गया है, और जिस तरह उठाया गया है इसका रिएक्शन आना था। और मेरा अगला सवाल है कि किसने प्लान किया सब कुछ? क्योंकि ये जिसने भी प्लान किया, क्या वो चाहते थे कि ये रिएक्शन हो? क्या ये जान के किया गया? क्योंकि और तरह की भी थे, अगर पकड़ना था वारंट दिखाते, पुलिस, मैंने चलने से पहले कहा कि आप मुझे पकड़ना है तो वारंट दिखाओ, पुलिस आके ले जाए, तो वहां से उस तरह भी, लेकिन क्यों ये जान के किया गया? और मुझे ये शक है, प्री प्लान था सब कुछ, ये रिएक्शन पता था इसका रिएक्शन होना है, और उस रिएक्शन से पहली तैयारी की हुई थी कि उसके बाद करना क्या है, कैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, जो अभी तक कोशिशें हैं। और फिर अभी तक, मैं आखिरी 2 सवाल पूछता हूं कि अभी तक क्यों नई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई कि जो ये कोर कमांडर का घर जलाया गया, इसके पीछे कौन था? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि ये कोई नहीं होता कि जी आप ही फैसला करें किसने किया और आप ही पकड़ के उनको सजाएं दे दें। ये जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर दुनिया के किसी कानून में नहीं होता। तो कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हम डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। इंशाल्लाह हम सबूत देंगे कि इसके अंदर लोग घुसाए हुए थे, एम्बेड किए हुए थे लोग, जिस तरह मेरे घर के बाहर प्लान बना हुआ था कि इन्होंने पुलिस के दोनों, इस्लामाबाद IG ने लोग तैयार किए हुए थे, पुलिस वाले चंद थे, यहाँ लाहौर के IG ने प्लान किया हुआ था, और इन्होंने मिलके यहाँ से गोली चलानी थी पुलिस के ऊपर,
उन्होंने फिर पूरा अटैक करना था वापस। ये सारा प्लान बना था जो मैंने 22 मार्च को पब्लिक को पहले बता दिया। तो ये भी मेड किए हुए थे, लोगों को अंदर घुसाया हुआ था हमारे, क्योंकि हर जगह से, क्योंकि मैंने जब बाद में पूछता गया कि हुआ क्या है, हर जगह से एक आई के जी लोग थे, कई लोग अंदर घुसे हुए थे, वो इश्तियाल दिलवा रहे थे लोगों को। और फिर हर जगह से एक चीज आई कि जी ये जो रेडियो पाकिस्तान जला, ये कोई माचिस की तीली से तो नहीं जला, जो मियांवाली के अंदर जहाज चौक जो सबको फखर करते थे, वो सेबर जो लगा हुआ है मियांवाली में, उसको किसने जलाया, एल्यूमिनियम कैसे जल सकता माचिस से, कोई प्लान ही था ना। तो चले हम गलत हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना इसका, वो क्यों नहीं हो रहा। और मुझे अफसोस है कि जो फिजा बनाई हुई है कि गद्दार पूरी पार्टी को गद्दार बनाया हुआ, इस फिजा के अंदर ये नहीं होने लगा। ये जो इस वक्त जंगल का कानून पाकिस्तान में है, ये नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं सवाल पूछता हूं आज कि जो 25 लोगों को शहीद किया गया, जिसमें से 16 हमारे पास एड्रेसेस हैं, बाकी 9 गायब हैं, क्योंकि हमें खौफ है कि इस तरह यहां इस वक्त खौफ फैलाया हुआ है, जो ये जो जुल्म का निज़ाम बना हुआ है इसके अंदर वो पुलिस पहुंच जाती है। ये 16 का भी बड़े मुश्किल से डर डर के उनके रिश्तेदारों ने बताया, उनके नाम दिए हैं, पता दिए हैं, जो 16 लोग शहीद किए गए हैं। उसके अलावा जो 3 लोग, पहले मैं 2 समय, 3 लोगों की टांगें ज़ाया हो गई हैं, टांगें काट गई गोलियां लग के, एक पैरालाइज्ड है, उसकी कमर में गोली लगी है, वो बिस्तर पर है। और उसके अलावा 50 से ज़्यादा लोगों को गोलियाँ लगी हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तानी नहीं थे, ये इंसान थे ना, तो इंसानों के तो हकूक होते हैं। तो आज अभी भी, अब ख़त्म हुआ है फ्रांस में, एक 17 साल के टीनेजर को गोली मारी है पुलिस ने, आग लग गई सारे, 1000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ जल गई फ्रांस में, क्योंकि एक इंसान की जान ली थी फ्रांस की पुलिस ने। यहाँ कोई फिक्र ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, सब नहते थे, किसी पुलिस वाले को, किसी रेंजर को कोई गोली नहीं लगी, इसका मतलब यहां से तो कोई फायरिंग नहीं थी। तो क्या एक पहले एक गैर कानूनी और आईनी गैर आईनी चीज की जाती है जिसका रिएक्शन होता है, पुरमन एहतजाज हमारा आईन हमें हक देता है, तो क्यों इनको अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि ये जो लोग बेचारे नौजवान थे, इनके माँ बाप थे, बीवी बच्चे थे, इनको जो गोलियां मारी गई कोई नहीं पूछेगा। अभी तक तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, कोई पूछेगा नहीं कि इन ये भी पाकिस्तानी, इनके भी राइट्स हैं, इनके हकूक हैं। तो इसको भी सिर्फ एक पूरी फिजा बना के कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये हुआ है 9 मई को, इसके ऊपर एक पूरी पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद करो, उनको दबाओ, ख़त्म करो। और मैं समझता हूँ ये प्री प्लान था, सब कुछ पहले से प्लान बना हुआ था। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखे, मैं पाकिस्तान की अब बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा। ये जो जुल्म हो रहा है एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को साजिश के तहत, क्योंकि इलेक्शन ये पीडीएम वाले अब लड़ नहीं सकते, इन सबको खौफ है कि इलेक्शंस के अंदर उन्होंने हार जाना है, तो ये पूरी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जान के इस्टेब्लिशमेंट को हमारे खिलाफ और कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये इलेक्शन में पीटीआई को, इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म करें पीटीआई को, ताकि ये चोर फिर से इलेक्शन जीत के आ जाए। और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। 14 महीने में इन्होंने पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है कि जो आज, अगर कल हमने IMF के साथ इसलिए डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपने मुल्क को, अपने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए, हालांकि हमारे पर हर किस्म का जुल्म हो रहा है, हमने उसके बावजूद इनकी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ इसलिए गए हैं कि हमारा मुल्क बच जाए। इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके सारे पैसे बाहर पड़े हैं। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी इस वक्त पाकिस्तान की फिक्र है, जो इस वक्त गैलप की सर्वे आई है कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम गलत रास्ते पर निकल गए हैं, यानी पाकिस्तानी मेजॉरिटी जो 80% से ज्यादा पाकिस्तानी कह रहे हैं हम गलत तरफ निकल गए, उसके बावजूद कोई रास्ते में कोई कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा, और हम सिर्फ और सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे कि जी किसी तरह पीटीआई को क्रश करो तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। और उससे किसको फायदा हो रहा है, कौन है वो लोग जो इस तबाही से फायदा उठा रहे हैं, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो पाकिस्तान की अक्सरियत नहीं है, ये थोड़े से लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं वसाइल पे, जो कानून के ऊपर बैठे हुए हैं,
और वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हमारा ये जो कब्जा है ये बरकरार रहे, मुल्क जाए भाड़ में क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।